आजाद हिंदुस्तान लाइव सच के साथ। सीएम शिवराज सिंह चौहान को लेकर बनाए गए विवादित पोस्टर पर भाजपा नेता आक्रोशित, थाने पहुंचकर दिया आवेदन, आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग। बड़वाहा, प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लेकर बनाए गए विवादित पोस्टर के सोशल मीडिया पर वायरल होने और गणगौर घाट क्षेत्र में दीवारों पर इन पोस्टर्स को लगाने को लेकर भाजपा के नेता आक्रोशित होकर थाने पहुंच गए। थाने पर इस विवादित पोस्ट को लेकर भाजपा जिला महामंत्री महिम ठाकुर, अन्य भाजपा नेताओं ने एक आवेदन SDOP विनोद दीक्षित को देकर आरोपी पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। भाजपा द्वारा दिए गए आवेदन में बताया कि सोमवार की रात्रि को सोशल मीडिया पर किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा एक आपत्तिजनक पोस्ट वायरल की गई, जिसमें 50% लाओ, फोन पे काम कराओ एवं नीचे एक्सेप्टेड मामा लिखा हुआ है। इस पोस्ट को फोन पे के स्कैनर की तरह डिजाइन कर इसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का फोटो लगाया। भाजपा नेताओं ने कहा, इस पोस्ट से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में आक्रोश है तथा सभी कार्यकर्ता इसका विरोध करते हैं। इससे क्षेत्र में शांति भंग होने की आशंका है। इस कृत्य को भाजपा जनों ने युवक कांग्रेस द्वारा किए जाने की संभावना जताई, क्योंकि ये युवक कांग्रेस के व्हाट्सएप ग्रुप पर वायरल हुआ। साथ ही इन पोस्टर्स को गणगौर घाट क्षेत्र में भी लगाने की जानकारी भाजपा कार्यकर्ताओं को मिली, किंतु वहां पर जाने पर दीवारों पर पोस्टर लगाने फिर हटाए जाने के निशान मिले। भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष चंद्रपाल सिंह तोमर, नगर पालिका अध्यक्ष राकेश गुप्ता, उपाध्यक्ष राजेश जायसवाल ने इस संबंध में कड़ी वैधानिक कार्रवाई की मांग की। बड़वाहा से नवरत्न जैन की रिपोर्ट। के सभी समस्त मंडल अध्यक्ष के नेतृत्व में और नगर पालिका अध्यक्ष और समस्त वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में थाने पर एक ज्ञापन दिया गया है। कल रात को हमारे संज्ञान में आया कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री के खिलाफ कुछ अनर्गल बातों को लेकर को एक पोस्टर छापा गया, जो स्थानीय गंगूर घाट पर लगाया। हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से जो हमें ज्ञात हुआ कि वो पोस्टर लगाया और जब कार्यकर्ता देखने गए तो उसको उखाड़ के उन्होंने फेंक दिया गया और सोशल मीडिया पर युवक कांग्रेस की वो साइट पे वायरल हो रहा है। निश्चित रूप से ये कांग्रेस की कुत्सित मानसिकता है। हरी हुई मानसिकता के साथ वो भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। इस संबंध में एक ज्ञापन स्थानीय SDOP महोदय को दिया है और उस उक्त कार्रवाई को करते हुए अभी पुलिस प्रशासन ने जिस व्यक्ति ने पोस्टर चिपकाए थे उसे अपनी हिरासत में ले लिया है और हमारी मांग है कि उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि इस प्रकार की घटना दोबारा न हो, जिससे शहर की शांति भंग न हो। पार्टी के पदाधिकारी श्री महिम ठाकुर, नगर पालिका अध्यक्ष राकेश गुप्ता जी और लाला बना जी जो यहाँ के मंडल अध्यक्ष हैं, इनके द्वारा एक आवेदन दिया गया है जिसमें किसी ने सोशल मीडिया पे जो वायरल किया है उस संबंध में हम कायमी कर रहे हैं और जो भी व्हाट्सएप ग्रुप है उनकी जांच करने के बाद जो भी दोषी होगा उस पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।